ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा T20 वर्ल्ड कप 2022 अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है और रविवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाने वाला है। इंग्लैंड जहां भारतीय टीम को बुरी तरह से मात देकर फाइनल में पहुंची है, वहीं पाकिस्तान न्यूजीलैंड को करारी हार देकर खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। गुरुवार को सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया था जिस पर आज पाक कप्तान बाबर आजम ने जवाब दिया है। शहबाज शरीफ का ट्वीट इतना वायरल हुआ कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले बाबर आजम प्रेस की कॉन्फ्रेंस में भी इससे जुड़ा एक सवाल पूछ लिया गया। बाबर आजम से एक रिपोर्टर ने इस जवाब पर एक सवाल किया तो उन्होंने जवाब में लिखा, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे इस ट्वीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हम विरोधी टीम के खिलाफ अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फाइनल मुकाबले से पहले बाबर आजम ने यह भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1992 और इस विश्व कप में समानताएं हैं, हम ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए इस टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और खिताब जीतने का प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं हमने अच्छी शुरुआत नहीं की लेकिन जिस तरह टीम वापस आई हम बाघों की तरह लड़े। खैर ये सब तो चलता रहेगा लेकिन देखना हमें यह है कि क्या पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत का खिताब हासिल कर पाएगी या नहीं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।